जी हाँ नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि इन दिनों में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसी के कारण पश्चिम राजस्थान व पूरे राजस्थान में फिर से मानसून सक्रिय होने की आशंका जता दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व पश्चिम राजस्थान में भी मानसून सक्रिय है, साथ में उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, यहाँ तक कि आपको बता दें कि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में भी मानसून सक्रिय होने की आशंका जता दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी बीते दिन श्रीगंगानगर में मौसम बदलने के कारण सूरतगढ़ में आधा घंटा बारिश देखने को मिली है, सादुल शहर में बूंदाबांदी तो जैतसर में एक घंटे बारिश हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वहीं हनुमानगढ़ की बात करें तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार को बादल हनुमानगढ़ में भी मेहरबान हुए। इसी के चलते हनुमानगढ़ में सुबह से आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी, इसके बाद दोपहर बाद हल्की बारिश देखने को मिली है। बारिश से मौसम सुहाना हो गया और कई दिनों से जारी उमस व गर्मी से राहत मिली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों यहां तक कि अगले 2 दिन में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम राजस्थान में 2 दिन बीच में गर्मी सता सकती है। इसके बाद 7 सितंबर के बाद 11 सितंबर के मध्य मानसून फिर से सक्रिय होने की आशंका जता दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी कर इन 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।